उत्तर प्रदेश योगी जी के शहर में नो जात पात, चाहे हिंदू हो या मुसलमान, दोषी जो भी हो एक्शन जोरदार तरीके से होता है। चाहे देर सवेर दोषी को यह एहसास हो ही जाता है कि हमने गलती किया है। आइए देखें एक रिपोर्ट। इस इलाके में जल भरा हो गया, लोग जैसे तैसे गाड़ियों से गुजर रहे थे, लेकिन वहां एकत्र हुए कुछ लफंगों ने राहगीरों से अभद्रता करनी शुरू कर दी। दोपहिया वाहनों पर बैठी महिलाओं से दुर्व्यवहार किया, उन्हें घसीट कर पानी में गिरा दिया, कारें रोककर जबरन दरवाजे खुलवाए और अंदर पानी फेंका, वाइपर तोड़ डाले। विरोध करने पर लोगों से मारपीट भी की। ये हुड़दंग आधे घंटे तक चला, लेकिन उसके बाद जब योगी का एक्शन हुआ तो सबकी अकल ठिकाने आ गई। यूपी पुलिस हरकत में आई, फिर हुड़दंगियों पर लाठी चार्ज भी हुआ और गिरफ्तारी भी हुई। दरअसल गोमती नगर इलाके में कल दिन में हुई तेज बारिश के बाद होटल ताज से G20 रोड और अम्बेडकर पार्क के सामने जल भरा हो गया था। उसी में से राहगीर जैसे तैसे गुजर रहे थे। इस दौरान कुछ लफंगों का हुजूम अम्बेडकर पार्क के पास पहुंच गया और जल भराव के बीच हुड़दंग करने लगा। ये वहां से गुजरने वाली गाड़ियों पर पानी फेंकने लगे। बाइक और स्कूटी सवार कई लोग गंदे पानी में गिर गए। इसी दौरान एक युवक युवती को लेकर वहां से गुजर रहा था। लफंगों ने दोनों ओर से बाइक पर पानी उछालना शुरू किया, बाइक बंद हो गई। गाड़ी से उतरने के बाद उपद्रवियों ने बाइक खींची तो युवती पानी में गिर गई। फिर उसे उठाने के बहाने भी उसके साथ अभद्रता की गई। बवाल करने वालों ने कार सवारों को रोककर जबरन गेट खुलवाए, उसके अंदर बैठे लोगों पर पानी फेंका, वाइपर तोड़ दिए। कई उपद्रवी तो कारों की छतों पर चढ़ गए। विरोध करने वालों की पिटाई भी की गई। इस घटना की वीडियो जैसे ही सोशल मीडिया पर वायरल हुई, यूपी पुलिस हरकत में आ गई। जब पुलिस मौके पर पहुंची तो हुड़दंगे को इलाज शुरू हो गया, दौड़ा दौड़ा कर लाठी चार्ज किया गया। इस मामले में DCP, ADCP और ACP को हटा दिया गया है। वहीं दी गई जानकारी में बताया गया है कि प्रकरण में कार्यवाही के क्रम को जारी रखते हुए प्रथम दृष्टया लापरवाही परिलक्षित होने पर एक्शन लिया गया है। गोमती नगर थाना प्रभारी निरीक्षक, चौकी इंचार्ज और चौकी पर मौजूद सभी पुलिस कर्मियों को निलंबित कर दिया गया है। इस मामले में आरोपियों के खिलाफ FIR भी दर्ज हो चुकी है। इस मामले में अब तक कुल 4 आरोपी गिरफ्तार हुए हैं। गिरफ्तार किए गए आरोपियों की पहचान मोहम्मद अरबाज और विराज साहू के रूप में हुई है। इससे पहले बुधवार रात को ही 2 आरोपी पवन यादव और सुनील कुमार भी गिरफ्तार कर लिए गए थे। बाकी अन्य आरोपियों की तलाश जारी है। हुड़दंग करने वालों से जैसे तैसे बच कर निकले लोगों की आंखों में आंसू तक आ गए। एक महिला ने रोते हुए बताया कि शहर में ऐसा वाकया कभी नहीं हुआ था। अदब के लिए पहचाने जाने वाले शहर में यहीं के लोग ऐसी अभद्रता करेंगे, ऐसा तो कभी नहीं सोचा था। वहीं पुलिस प्रशासन का कहना है कि अराजक तत्वों की पहचान के लिए इलाके में लगे सभी CCTV कैमरों के फुटेज खंगाले जा रहे हैं। 3 टीमें बनाई गई हैं। दोषियों के खिलाफ शीघ्र ही सख्त कार्रवाई की जाएगी। हमें गोमती नगर जनपद लखनऊ के प्रकरण के संबंध में अवगत कराना है कि लखनऊ पुलिस द्वारा घटना का तत्काल संज्ञान लिया गया है। अराजक तत्वों की पहचान करने के लिए उपलब्ध समस्त वीडियो फुटेज की जांच की जा रही है और इस कार्य के लिए 3 टीमों का गठन भी किया गया है। समस्त दोषियों के खिलाफ शीघ्र सख्त कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। धन्यवाद। फिलहाल हुड़दंगियों का इलाज हो चुका है, क्योंकि ये शरारती तत्व बारिश के मौसम में शायद ये भूल गए थे कि ये यूपी है भैया, शरारत की तो इलाज तुरंत होगा और ऐसा हो भी गया। फिलहाल बाकी आरोपियों की तलाश जारी है। देखना होगा कि आगे इस मामले में क्या एक्शन लिया जाता है। तो आप भी इस वीडियो को शेयर कीजिए और जुड़े रहिए हेडलाइंस इंडिया के साथ। कि जो गोमती नगर की घटना है, उस घटना में भी हम लोगों ने जवाबदेही तय की है। उसके अपराधियों की सूची भी मेरे पास आई है। ये अपराधी हैं, पहला अपराधी है पवन यादव, दूसरा अपराधी है मोहम्मद अरबाज। ये सद्भावना वाले लोग हैं, यानी सद्भावना, अब इनके लिए सद्भावना ट्रेन चलाएंगे, इनके लिए बुलेट ट्रेन चलेगी, चिंता मत करो। आप उस बुलेट ट्रेन की तैयारी की जा रही है और इसीलिए महिला सुरक्षा हमारे लिए सर्वोच्च महत्व रखता है। हमने इस बात को पहले दिन कहा है, कोई खिलवाड़ करेगा तो उसका खामियाजा भुगतेगा। हम लोगों ने इस बारे में हम लोगों ने आश्वस्त किया, एक एक बेटी को, एक एक बहन को हम लोगों ने इस बात के लिए आश्वस्त किया है। और मैं फिर इस बात को कह सकता हूं, इस घटना को हमने गंभीरता से लिया है और गंभीरता से लेने का परिणाम है पूरी चौकी को सस्पेंड किया है, इंस्पेक्टर को सस्पेंड किया है, डिप्टी SP, एडिशनल SP और DCP, इन सबको वहां से चेंज करके इनके खिलाफ भी कार्रवाई हमने प्रारंभ की है।
शहर से दूर कुदरत के बीच छुट्टियों के कुछ दिन बिताना है तो आयुष जंगल रिसोर्ट आपका स्वागत करता है। डुआर्स के खूबसूरतियों के बीच चारों ओर घने जंगलों से घिरा मूर्ति नदी के किनारे, यहाँ एसी नॉन एसी डिलक्स रूम के साथ साथ आनंद लीजिए स्वादिष्ट और हाइजीनिक खाने का। हमारे यहाँ जंगल सफारी के सुव्यवस्था के साथ साथ पिक एंड ड्रॉप सेवा भी उपलब्ध है। आज ही आए छुट्टियों के कुछ दिन बिताने आयुष जंगल रिसोर्ट गोरुमारा बंगलो के नजदीक नया मूर्ति नदी लाटागुड़ी।